अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आज है थर्सडे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया व्लॉग। तो काफ़ी दिन हो गए थे, हमने कुछ भी पोस्ट नहीं करा था ईद के 3 दिन के व्लॉग के बाद से, तो कुछ भी नहीं पोस्ट करा था। क्या रीज़न था क्या नहीं, बस आई वॉज़ नॉट फीलिंग लाइक रिकॉर्डिंग या कुछ भी करें। बीच बीच में थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड करे थे लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं करे, हटा दिए हमने सब। तो हमने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं सुबह से प्रॉपरली एक व्लॉग। एक्चुअली ना कुछ लोग मिल जाते हैं, वो लोग इतनी डीमोटिवेटिंग, इतनी ख़राब बातें कर देते हैं कि वो बस मेरे माइंड में घुस जाती हैं। हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो माइंड में चलती रहती हैं और उससे बहुत लो फील होने लगता है। लेकिन अब हमने सोचा है ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और हम ये भी सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा वेट कंट्रोल करा जाए फिर से, तो अपनी डाइट चेंज करेंगे, थोड़ा वर्कआउट इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में। तो ये सब आप लोगों के साथ शेयर करें इस पे, अपनी डाइट की क्या ले रहे हैं क्या नहीं, या फिर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक पर्पल हार्ट कमेंट में पोस्ट कर दिएगा, ओके? और हमने बोल तो दिया है कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सुबह नहीं, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और देखिए बाहर क्या हो रहा है, धूप बहुत तेज है और यहाँ पे सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल फिर बिखरा बिखरा हो रहा है। और हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो आप लोग भी चलिएगा साथ में। 3:30 बज चुका है और अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो ये पहनेंगे हम, ये है मेरी लेगिंग्स एंड बहुत कंफर्टेबल लेगिंग्स हैं, जस्ट लाइक ट्रैक पैंट्स। और ये है मेरी टी शर्ट। तो ये पहनने वाले हैं हम अपने अबाया के अंदर। जब भी हम कहीं जाते हैं जहाँ अबाया नहीं उतारना होता है, तो फिर हम, और इतनी धूप इतनी गर्मी होती है, तो फिर हम ये गर्मी ये सब कपड़े नहीं पहनते हैं, कंफर्टेबल कपड़े ही पहनते हैं अबाया के अंदर। और अभी हम लोग जा रहे हैं मोती झील, हम और मेरे सारे कजिन्स। तो अभी सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो रेडी होते हैं, सबसे पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, देन कपड़े चेंज करके फिर आपको मिलते हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं, नाउ आई विल अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगा लिया है और मेकअप अपना बहुत मिनिमल रखेंगे क्योंकि किसी के वलीमे में नहीं जा रहे हैं, पार्क में घूमने जा रहे हैं। यहाँ से 3-4 चीज़ें लगाते हैं फिर आपको अपना मुंह दिखाते हैं। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, अब बस पहनना है हमें अपना हिजाब जिसको पिनअप करने में हमें लग जाता है आधा घंटा। सो गाइस, हिजाब हमने पहन लिया है और इसको बांधने में हमको लगे हैं पूरे 20 मिनट्स, और हमें ये अच्छा बहुत लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। एंड इस तरह से हमने फर्स्ट टाइम पहना है ये इस स्टाइल में। एंड ये है इसका बैक लुक। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है एक साइड का गाल बड़ा और एक साइड का गाल छोटा क्यों लग रहा है। और अब डिसाइड करना होगा कि चप्पल कौन सी पहननी है, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। सो दिस इज़ माई फुल लुक। एंड आज हमने पहन लिए हैं अपने न्यू वाले नागराज, सो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें। एंड दिस इज़ इट। अभी अन्नू आ गई है लेकिन अभी उरुज अब भी नहीं आई है, इसलिए हम इतनी आराम से आप लोगों से बातें कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मम्मी जा रहे हैं हम नीचे, ओके लाके हैं, ओके कह रही है आयतल कुर्सी पढ़ लेना। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपको शर्म आ रही क्या? अभी उरुजप्पी नहीं आई है और यहाँ पे सबकी सैंडल्स आ गई हैं। और ये है मेरा, कौन है ये? ये शर्मिला बाबू है। और ये है भाभी जान, ये है
आपा जान क्या देख रहे हो? ये सारी औरतें आ गई हैं अपने बच्चे कच्चे लेके और नहीं अभी वो स्कूल से निकल आई ना। ये क्या गुस्सा हो गई क्या? नहीं जाओगी? जल्दी आओ। अन्य का वो कुछ कर ही नहीं पाती, नहीं बना पाती। एक दिन तुम्हारे 5 मिनट का था, एक दिन सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट का था, तो बस इतना छोटा सा। चलो आते हैं अभी। सब लोग सफर पे जा रहे हैं तो यहाँ पानी लास्ट टाइम पानी वाली पीना शुरू हो गया है। इतनी दूर का सफर है कि हमारे रिक्शे वाले भैया भी उतर के मसाला वसाला लेने लगे थे। गाइस बच्चे गायब हो चुके हैं, अम्माओं को परवाह ही नहीं है। इधर आ। ये देखो आम का पेड़ मिल गया है इन लोग को। ये देखो इतनी सारी अम्मियां लगी हुई है। गिर रही है ये। हाँ ईटे चलाओ कह रही है। अम्मी भी मिल रही है इन लोग को। अब ये लोग लग रहा पूरा तोड़ ले जाएगी। गार्ड आ गए इन लोग को भगाने के लिए। बड़ा पेड़ झूला तो झूल ले रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी गार्ड वाले भैया आ गए ना तो भागना पड़ेगा बेइज्जती के साथ। और मेरा झूला हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है। हाँ आओ स्लाइड नहीं तो जा रहे हैं अभी स्लाइड में। कोई मुझे धक्का नहीं लगा रहा, ये लोग खुद बैठ गई हैं, ये नहीं कि मुझे धक्का ही लगा दें। चलो अब कैमरा बंद करके खुद धक्का लगा के झूल लेते हैं। और यहाँ पे पता नहीं कौन सी बात पे इतनी हंसी आ रही थी हमें। पेट की हचर ये दोनों जा रही हैं चना जोर गरम लेने वहाँ पे, वो देखिए। और यहाँ पे डक्स चल रही हैं। एक अच्छी सी पिक्चर लेने की कोशिश हो रही है यहाँ पे जो कि नहीं आई मेरी। फिर आ गए थे हम लोग दूसरे वाले पार्क में, कारगिल पार्क, वो पास ही में है। और यहाँ पे है झील और डक्स, तो वो भी दिखा दिया बच्चों को। ये वाले पार्क में भी एक साइड पे झूले हैं, वहाँ पे झूले झुला दिए थोड़ा देर के लिए। जब अंधेरा होने लगा तो हम लोग आ गए बाहर। और आज हम लोग ने डिसाइड करा कि खाते हैं कुछ स्ट्रीट फूड और ये ठेलों से खाते हैं। तो हम लोग ने लिया एक जगह से चाट, वो इतनी ज़्यादा वाहियात थी कि बस पूछो मत। किसी तरह उसको फिनिश करा और बच्चों को वही फिंगर चिप्स जला दिए थे उन लोग ने, वो खाए। और वो लोग भी खेल खेल के थक चुके थे तो अब उन्होंने अपना मोबाइल ऑन करा, अपना कार्टून लगाया, तब उन लोग ने खाया। फिर हम लोग ने करा रिक्शा और आ गए घर वापस। देर में दरवाजा खोला है नानी आपने बच्चे पाली अरे वो वाटर खा। चलो चलो ले लो ले लो ले लो ले लो सोच के। चलो चलो तुम ही लोग ला रहे लेकिन नहीं हाथ नहीं पोछना।
तुम जमीन में आ गई। बहन खड़ी उतार देती है, चलो मान जाना। ये है क्या किया? अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं किसी को पीछे कर तो इंग्लैंड वाले कपड़े पहने हैं, ये तो इंग्लैंड वाले कपड़े पहने हैं, दिखाओ जल्दी। तुम बेबी हग नहीं जानती हो? क्या बेबी हग नहीं जानती? नहीं। ओह माय गॉड, क्या होता है, क्या होता है बरस, फिर से बताओ। इंग्लैंड, क्या हम इंग्लैंड बोल देंगे तो प्लेन कहीं और उतार देगा हमें। घर पे आके थोड़ी देर बातें करी, थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर ये लोग चली गई। आज इन लोग ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि इन लोग को देर हो रही थी, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है अब, इसलिए टाइम से वापस घर जाना होता है। तो बस यही था आज का दिन, जो कि घूमने फिरने में पूरा निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड अब हम सोच रहे हैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दें। और ये पसीना इतना इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने 20 मिनट्स अपनी वॉक करी है। एंड आई विल ट्राई कि अब व्लॉग रेगुलरली आता रहे, डेली ना सही, ऑल्टरनेट डेज पे तो आता ही रहे इंशाल्लाह। और अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।